और बड़ी खबर आ रही है देवेंद्र झाझड़िया के नाम एक और उपलब्धि। आज भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष बनेंगे झाझड़िया। झाझड़िया का अध्यक्ष पद पर निर्विरोध हुआ है निर्वाचन। कुछ देर बाद दिल्ली में इसकी औपचारिक घोषणा होनी है। आज दिल्ली दौरे पर है देवेंद्र झाझड़िया। आपको बता दें कि चुरू से उनको लोकसभा प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया है। एक और उपलब्धि उनके नाम, क्योंकि कई मेडल देश के नाम वो कर चुके हैं, लेकिन एक और उपलब्धि भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष बनने पर। झाझड़िया का अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। कुछ देर में इसकी औपचारिक तौर पर घोषणा भी होगी। दिल्ली के दौरे पर है देवेंद्र झाझड़िया और ये बड़ी खबर, देवेंद्र झाझड़िया भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष बनेंगे। आपसे थोड़ी देर में औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। देखिए, देवेंद्र झाझड़िया के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने वाली है, क्योंकि पैरालंपिक में गोल्ड मेडल हासिल वो कर चुके हैं, लेकिन भारतीय पैरालंपिक कमेटी का अध्यक्ष बनना एक और उपलब्धि उनके नाम होना। अब से थोड़ी देर में इसकी औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी, जिसका इंतजार भी रहेगा। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश जी, कई मेडल देश के नाम जीते हैं देवेंद्र झाझड़िया ने, प्रत्याशी भी हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष वो बन रहे हैं। आपसे थोड़ी देर में औपचारिक घोषणा का इंतजार है। कितना समय और लगेगा जब औपचारिक घोषणा हो जाएगी और किस तरीके से जिम्मेदारी को देख रहे हैं? नरेश जी, आवाज मिल पा रही हो तो, ये जो जिम्मेदारी है भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष की देवेंद्र झाझड़िया को, किस तरीके से देख रहे हैं इसे? बिल्कुल, देखिए पहली बार है जब राजस्थान का कोई खिलाड़ी है वो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे, क्योंकि जब देवेंद्र झाझड़िया ने नामांकन दाखिल किया था अध्यक्ष पद के लिए तो उसके बाद उनके सामने किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया, तो ऐसे में उनका निर्विरोध निर्वाचन पहले से तय था। लेकिन क्योंकि आज जो है वो औपचारिक रूप से ऐलान किया जा रहा है, और क्योंकि खुद देवेंद्र झाझड़िया है वो देश के लिए पैरालंपिक में 3 बार खेल के पदक जीत चुके हैं। 2004 में उन्होंने पहला मेडल जीता था, लेकिन अब तक उनकी खिलाड़ी की भूमिका रही थी, अब वो खेल प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। और हाल ही में उनको भारतीय जनता पार्टी ने चुरू से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, तो उस उम्मीदवार बनने के बाद वो कल चुरू गए थे जहां उन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया था, और उसके बाद ये तुरंत उनको जो एक खेल के जगत में जो उनके लिए उपलब्धि है वो आज वो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और इसके बाद पूरे देश में चूंकि जो दिव्यांग खिलाड़ी है उनके उत्थान के लिए वो किस तरह से उनको बराबरी का दर्जा मिल सके और उनके लिए किस तरह से खेल सुविधाएं विकसित हो उनके लिए वो काम करेंगे। और साथ में राजस्थान के लिहाज से बात करें तो राजस्थान के कई जो पैरा एथलीट है उन्होंने देश विदेश में नाम कमाया है, तो राजस्थान में भी दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए किस तरह सुविधाएं विकसित हो इसको लेके भी देवेंद्र झाझड़िया है, उनकी अपनी प्लानिंग है। तो आज औपचारिक रूप से वो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन रहे हैं। ठीक है, एनर्जी आप बने रही हमारे साथ।